दोस्तों, क्या आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं और आपके पास एक अच्छा DSLR कैमरा है, उस पर एक अच्छा खासा लेंस अटैच है, तो भी आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी नहीं आ पा रही है? तो उसका एक कारण है कि आप फ्लश यूज़ नहीं करते हैं। आप फ्लश यूज़ कीजिए, मैनुअल एक फ्लश आता है नॉर्मल सा, इस फ्लश को यूज़ कीजिए। और इस फ्लश को यूज़ करने के तीन चार तरीके होते हैं जो आज हम सीखेंगे। इसको फ्लश को लगाते ऐसे हैं DSLR कैमरे पर, और इसके डायरेक्शन होते हैं एक ये फ्रंट बाउंस ऊपर, एक ये होता है और एक ये, कुछ इस तरीके से फोटोग्राफर इस फ्लश को लगाकर यूज़ करते हैं। तो इससे हमारी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? इसका मतलब होता है फ्रंट दिया है तो डायरेक्ट फ्लश पहुँचेगी, ऐसे दिया है तो थोड़ी सी फैल के पहुँचेगी, और ऐसे दिया तो पूरी फैल कर पहुँचेगी, जिससे हमारा फ़ोटो थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है। तो इन तीन कंडीशन को कब और कैसे किस तरीके से अप्लाई करना पड़ता है वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक फ़ोटोग्राफ़र एक फ़ोटो खींचता है, एक क्लिक करता है, तब तो वो एक इमेज माइंड में नहीं रखता है। उसके माइंड में दो इमेज होना चाहिए, एक तो सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट का या जिस व्यक्ति का प्रॉपर फ़ोटो खींच रहा है वो उसका, और एक पीछे जो उसके आ रहा है बैकग्राउंड उसका। यह दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बराबर लेवल पर होना चाहिए। बराबर लेवल का मतलब यह है कि बराबर रोशनी में हो, ना कि पीछे का ज़्यादा ब्राइट हो या फिर सब्जेक्ट ज़्यादा ब्राइट हो, या फिर सब्जेक्ट ज़्यादा अंडर एक्सपोज हो या फिर बैकग्राउंड ज़्यादा अंडर एक्सपोज हो जाए, डार्क हो जाए, इसका मतलब यह है। लेकिन ये दोनों एक ही सीमित पे कैसे आएंगे? जब हम फ्लश की लाइटिंग को बराबर समझ पाएंगे और कैमरे की लाइटिंग को बराबर समझ पाएंगे। कैमरे की लाइटिंग से मतलब है कैमरे का ISO। कैमरे का ISO उस कंडीशन पर सेट होना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड बराबर प्रॉपर आए। बैकग्राउंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड तक फ्लश लाइट नहीं पहुँच पाती है। बैकग्राउंड की फ्लश लाइट ओनली हमारे सब्जेक्ट के लिए होती है, और बैकग्राउंड लाइट होती है हमारे कैमरे के ISO के ऊपर डिपेंड। कैमरे का ISO आप उतना रखिए जिससे आपका बैकग्राउंड अच्छा प्रॉपर आए, और फ्लश की लाइट आप उतनी रखिए जिससे आपका सब्जेक्ट बराबर आए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा फोटो पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत बहुत ज़्यादा हद तक बहुत बराबर प्रॉपर आएगा, और उससे एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचते हैं हम फोटो थोड़ा अंदर एक्सपोज कर देंगे, ओवर एक्सपोज हो जाएगा, तो हम बाद में PC से कनेक्ट करके हम उसको एडिटिंग करके अच्छा बना लेंगे। लेकिन आप जहाँ तक जितना अच्छा प्रॉपर फ़ोटो क्लिक नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं बन पाएगा। तो आप इस फ्लश की, कोई सी भी फ्लश, ये फ्लश ज़रूरी नहीं है, आप फ्लश को लगाना सीखिए। फ्लश को लगाने के बाद आपको कैसी कंडीशन में इसको बाउंस रखना चाहिए, कैसी कंडीशन में इसको आपको फ्रंट फ्लश देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है फ्रंट फ्लश हमेशा काम नहीं आती है, हमेशा बाउंस फ्लश ही आपने लगाई और डायरेक्ट इसी कंडीशन पर चल रही है, और लाइट डार्क आप फ्लश कैमरे के ISO से कंप्लीट कर रहे हैं। कैमरे का ISO ओनली बैकग्राउंड के लिए है, और फ्लश का ISO, फ्लश का ISO मतलब फ्लश का जो एक्सपोजर होता है, फ्लश का कैपेसिटी पावर जो होता है कम ज़्यादा करने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका फ्लश का पावर रहेगा सब्जेक्ट के ऊपर, और कैमरे का ISO रहेगा आपके बैकग्राउंड के ऊपर। जब जाके आपके पिक्चर दोनों एक लेवल पर आएगी और अच्छी आएगी। दोस्तों, यह फ़ोटो देखिए, आप अपने फ्लश को बाउंस करी है और आपने फ़ोटो क्लिक किया है, तो यह आपका फ़ोटो प्रॉपर नहीं बन पाया क्योंकि आपके बाउंस फ्लश यहाँ तक नहीं पहुँची है, यहाँ तक मतलब इस बैकग्राउंड तक नहीं पहुँची है। इस बैकग्राउंड में आपका पूरी डिटेलिंग है, लेकिन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट डार्क हो गया है और ये फ़ोटो प्रॉपर नहीं आ पाया। फिर आपने फ्लश को फ्रंट किया, लेकिन फ्रंट करने के साथ साथ आपने कैमरे का ISO भी बढ़ाया, तो कैमरे का ISO बढ़ाने से आपका बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा ब्राइट हो गया है, लेकिन दूल्हे का जो फ़ोटो है वह प्रॉपर हो गया है। तो आपने फिर से वापस से यही कंडीशन पर आपका ISO किया आपने, और अपने ISO के साथ साथ में आपकी फ्लश को फ्रंट कर दिया है, तो उससे आपका सब्जेक्ट भी अच्छा आ गया और बैकग्राउंड भी अच्छा आ गया। अगर आप बाउंस करके फोटोग्राफी करते हैं तो फिर आपके बैकग्राउंड में आपकी आपकी फ़ोटोग्राफी ऐसी आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फ्लश को बाउंस नहीं करना है, आपकी ऐसी सिचुएशन में आपको कैमरे का ISO कम करके फ्लश को फ्रंट करना है, ताकि ये फ़ोटो आपका प्रॉपर बन सके, जिसमें बैकग्राउंड भी अच्छा आएगा और इसमें आपका सब्जेक्ट भी अच्छा आएगा। तो ये फ़ोटो प्रॉपरली आपका तभी बन पाएगा जब आप फ्रंट फ्लश को फ्रंट रखेंगे। एक यह पिक्चर है आपकी जो विदाउट फ्लश की है, और आपने फिर फ्लश यूज़ की, तो आपने जब फ्लश यूज़ की तो आपका फ़ोटो कुछ इस तरीके का आया, लेकिन इसमें आपके कपड़ों का डिटेलिंग नहीं नज़र आ रहा है। तो इसके बाद आपने फ्लश की बाउंस,
अगर ये फ़ोटो देखेंगे तो ये फ़ोटो प्रॉपर लगेगा आपको, क्योंकि इस कंडीशन में आपको फ्लैश को बाउंस करना है, क्योंकि इस कंडीशन में आपके बैकग्राउंड में लाइट ऑलरेडी पोर्ट्रा लाइट लगी हुई है, जिससे आपका बैकग्राउंड मेंटेन हो गया है और फ्लैश के बाउंस से आपका सब्जेक्ट मेंटेन हो गया, क्योंकि बाउंस करने के बाद फ्लैश वहाँ तक नहीं पहुँच रही है जहाँ बैकग्राउंड तक पहुँचाना है हमको, फ्लैश का पीछे बैकग्राउंड तक पहुँच सकें। तो हमारी फ्लैश की पावर जो है वो हमें सब्जेक्ट तक ही रखना है, और बैकग्राउंड में जो लाइटिंग है उसको हम कैमरे के आईएसओ से एडजस्ट करेंगे। एक और डेमो ये देखिए, जिसमें हमने फ्लश को फ्रंट दिया है तो हमारा टेक्सचर जो है वॉल के वो चले गए हैं, लेकिन फिर जैसे ही हमने इसको बाउंस किया है तो हमारा प्रॉपर आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैमरे की फ्लश को बाउंस रखिए। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने फ्लश का तीन तरीके से चार तरीके से हमने यूज़ करी, एक तरीके से बाउंस से और इस वाले से भी और इस तरीके से भी यूज़ करी, और यूज़ करके हमने देखा कि किस तरीके से फ्लश काम करती है और किस तरीके से इसका जो एक्सपोजर है पावर स्विच है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कम ज़्यादा कर कर, हमारी हमारी कैमरे की क्वालिटी को हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। कई बार होता है फोटोग्राफर फ़ोटो क्लिक करके ले आ जाता है, कहीं शेड यहाँ पर आ जाता है तो बाउंस फोटोग्राफी चल रही बाउंस में अच्छे आते हैं, या मन का भाव है कि हर बार बाउंस करने पर ही फ़ोटो अच्छे आते हैं, कभी कई बार हमको सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फ्लश को हमको फ्रंट भी करना पड़ता है। तो फ्रंट करने से ऐसा नहीं है कि आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं है, बहुत से फोटोग्राफर का यह मानना होता है कि हमारे पास हेवी कैमरा है, हमें इतनी फ्लश लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो वो हर बार फ्लश को बाउंस ही चलाते हैं और वो सारे फ़ोटो बाउंस फोटोग्राफी में रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कपल फ़ोटो होते हैं या फिर भी अदर कोई फ़ोटो होते हैं, थोड़े डार्क फोटो आ जाते हैं जो बाद में लाइट करने पर भी सही नहीं हो पाते, उनमें ग्रेन्स आ जाते हैं। तब ऐसी कंडीशन में अगर आपका कैमरे का आईएसओ कम हो गया है, आपका कैमरे का आईएसओ फुल नहीं यूज़ करना चाहिए, आपके जितना भी कैमरे का आईएसओ है ना उसका 70% आपको आईएसओ यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके कैमरे का ग्रेन्स ना निकले, और आपको इसके बाद आपको कैपेसिटी फ्लश की धीरे 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 फ्रंट कर लेना चाहिए, आपको फुल आईएसओ यूज़ नहीं करना चाहिए। फुल आईएसओ यूज़ करने से आपके कैमरे की जो क्वालिटी है वो पूरी बिखर जाएगी और फोटो में पिक्सल 100% आ जाएंगे। तो आपको फ्लश को फ्रंट करके इसकी रोशनी बढ़ा के आपके कैमरे का आईएसओ बचा लेना चाहिए, जिससे आपके पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेन हो सके। इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहिए, और जैसे आप लाइटिंग को समझ लेंगे तो आपकी 80% फोटोग्राफी सुधर जाएगी और आपको आगे तकलीफ नहीं आएगी, ना आपको शेड की प्रॉब्लम आएगी, ना आपके बैकग्राउंड को लाइट आने की प्रॉब्लम आएगी, ना आपके सब्जेक्ट लाइट आएगा। आप ऐसी सिचुएशन से आराम से हैंडल कर सकेंगे, जो बैक लाइट की प्रॉब्लम होती है वो आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी, इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ में। गुड डे।